आगे से आगे हट हट कुटे है ये दरवाजा ये भी खोलना भाई ये नहीं खुलता है ये भाई ये भी खोलना एक दरवाजा ऊपर नहीं नहीं खुलता है भाई ये भी खोलना ये भाई पंडित जी इक्के रेकरे बगा हाथ तेरी खालती थी भाई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बस बस एक्शन चोर का बॉडीगार्ड दे ओ विवेक सर है पकड़ो पकड़ो हां माय तेरे बाबा ए साइलेंस मां गया रे मां गया नमस्कार सर लोग सबसे पहले तो सर बूम लगाएंगे सर बाद बाद ये बात विवेक जी आप एक मिनट एक मिनट आ जाओ आ जाओ आप भी आ जाओ आ जाओ बस मैं सबसे पहले तो मुंबई पुलिस का थैंक यू करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया इतनी जल्दी आए मेरे कहने पर और दूसरा मैं इनकी परमिशन लेके चाह रहा था कि देखिए ये टाइप के जो चोर होते हैं इनको मुझे पता नहीं क्यों छुपाया जाता है इनका पर्दाफाश करना चाहिए पिछले कुछ दिनों से मैं घर पे देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें गायब हो रही हैं और हमारे घर पे मतलब कभी बच्चों के चॉकलेट तो कभी बच्चों के खिलौने बताओ बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भी गायब हो रहे हैं और ऐसी चीज़ ऐसी मतलब गिरी हुई हरकत कौन करेगा ऐसा चोर बच्चों की चीज़ें कौन चोरी करेगा ये पूरा एरिया यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं कहीं आप लोगों के भी घर पे बच्चे हैं तो मैं चाह रहा था कि इस आदमी को पर्दाफाश किया जाए ताकि आप लोग भी इसका चेहरा देखें और देखकर आप लोग इसको अपने घर में आने ना दें मैं इसको पिछले 10 साल से जानता हूँ 10 साल से और 10 साल से जानने के बावजूद ऐसा किया है इस आदमी ने बताइए तो आप इसको बिल्कुल अपने घर में मत आने दीजिए इसको बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ी है तो ये चोर देख बच्चों का चॉकलेट शर्म आनी चाहिए बच्चों का चॉकलेट चुरा रहा है बेटा लेकिन विवेक मतलब हाई प्रोफाइल चोर आज पहली बार हाँ ये हाई प्रोफाइल चोर हैं और हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल इनका पर्दाफाश करना जरूरी है इसीलिए हमने पुलिस वालों को बुलाया और उनको उठा के लेके जाएंगे अभी ऐसे पे लोग चोरों के ऊपर काफी हाथ साफ करते तो आपने हाँ। कितना किया हाथ साफ या कुछ वो तो हाथ साफ नहीं किया मैंने इनका घर साफ किया और बच्चों के चॉकलेट चुराता है ये आदमी बच्चों देखो देखो विवेक को देख कर ऐसा लगता है कि इनके बच्चों के चॉकलेट मैंने चुराए कि इन्होंने खुद चुराए एक्चुअली बैंक चोर ये हमारी आने वाली अगली फिल्म है और हम लोग एक कैरेक्टर रिवील कर रहे हैं आज और वो है इंस्पेक्टर अमजद खान का थैंक यू जो विवेक ओबरॉय प्ले कर रहे हैं एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है तो ये पहली बार हम लोगों ने इस तरह का गैग करके एक कैरेक्टर रिवील कर रहे हैं और इसके बाद फिर उनका पूरा लुक अभी धीरे धीरे रिवील हाँ अभी एक घंटे में हम ऑनलाइन अमजद खान का फर्स्ट लुक रिवील करेंगे फर्स्टली थैंक यू सो मच सॉरी अगर आप लोगों को कोई परेशानी हुई आई एम सो सॉरी हम लोगों ने क्या है हमारी फिल्मी हमारे रियल चोरी है हमारी इंटेंशन ये थी क्योंकि पिछले 1 अप्रैल को भी हमने जो प्रेस रिलीज की थी 16D की उस सब में भी आप लोगों को फंसाया थोड़ी सी मस्ती की और इसमें भी हम चाह रहे हैं कि बैंक चोर का जो एक फ्लेवर है एक फील है एक जो पागलपन है नशा है उसका वो उसी नशे से हम आगे बढ़े जी ये रियल पुलिस वाले सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन से विवेक जी आपको नहीं लगता चोर जो काफी हैंडसम है हाँ ये हैंडसम किस्म का चोर है हालांकि इसने दाढ़ी वाड़ी शेव नहीं की है बहुत सालों से जी लेकिन एक घर है वर्ली में वो घर छोड़ के मुझे लगता है किसी को भी इसको अंदर आने नहीं देना चाहिए और अमजद खान जो है वो इसको छोड़ेगा नहीं जहाँ जहाँ ये बेवकूफ चोर पहुँचेंगे चोरी करने के लिए वहाँ वहाँ अमजद खान पहुँचेगा स्कूल में की थी क्या चुराया था स्केच पेन पकड़े गए आप क्या हुआ मैं तब भी पकड़ा नहीं गया था आज पहली बार पकड़ा गया और आपने कभी चोर पकड़ा है रियल लाइफ में चोर पकड़ा है रियल लाइफ में नहीं यार मैं ज्यादातर रियल लाइफ में खुद चोरी करता हूँ चॉकलेट की
चॉकलेट की चोरी एक्चुअली जो ये जो स्टोरी हमने बनाई है वो एक्चुअली मेरे जीवन पे निजी जीवन पे आधारित है और मैं बताना चाहता हूँ विवेक ओबरॉय अपने बच्चों के चॉकलेट चुराता है वो बेचारा बच्चा और मैं बताना चाहता हूँ ये बात डैडी सच है। अच्छा मौके पर दोनों से जानना चाहूंगा कि विनोद खन्ना जी की भी तबीयत खराब है तो क्या कहेंगे उनके बारे में कि किस तरह से वो जल्दी रिलीज हाउ कैन यू से इस खुशी के मौके पर मींस अभी ये खुशी है तो इस खुशी No, I just wish him a speedy recovery. Yeah. Vinod sir is a legend and he's been a hero to all of us. Yeah. And we just wish him we all look up to him and we all hope that he recovers soon and gets to be the fit icon that he has always been for all of us. Thank you. Sir, abhi photo main. Vivek sir, Vivek sir, hat.